आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी चुनावी मोड पर काम कर रही है और विधानसभा चुनाव में जीत की राह सुनिश्चित करने की तैयारियों और रणनीति पर सधे अंदाज में अपने कदम बढ़ा रही है। बस्तर प्रवास पर आए संभागीय प्रभारी और सांसद संतोष पांडे ने भाजपा जिला कार्यालय में जगदलपुर विधानसभा के नगर मंडल की कोर ग्रुप की बैठक ली है, जिसमें संगठन के कार्यक्रम सहित चुनावी मैदान में उतरने की तमाम तैयारियों पर चर्चा की गई। तो वही बैठक में सभी से सुझाव भी लिए गए। संभागीय प्रभारी संतोष पांडे ने कहा कि चंद महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं। संभाग मुख्यालय शहरी क्षेत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर आवाज मुखर करनी होगी। बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता विजय का लक्ष्य लेकर सक्रियता से कार्य करने में जुट जाए। हमारे जो कार्यक्रम है, हमारी जो बैठक है, हमारी जो रचना है बैठक की, उसके संबंध में स्थिरता समन्वय समिति के सदस्यों को मार्गदर्शन देना हुआ है। साथ ही जो से पूछताछ बातचीत, किस तरीके से काम चल रहा है संगठन का नीचे तक और क्या परिस्थितियाँ हैं, किस तरीके से हमें हमारी क्या भूमिका है हमारे क्षेत्र में, विधानसभा कोर कमेटी की कल बैठक ली और विधानसभा में महासंपर्क अभियान जो मोदी जी के 9 वर्ष हो रहे हैं उसको ध्यान में रखकर और 2024 का जो इलेक्शन 2023 का जो इलेक्शन है, इन दोनों इलेक्शन को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की गई है। आप देखेंगे मोर आवास मोर अधिकार की जबरदस्त सफलता के बाद अभी जो गौठानों में जो छापे पड़ रहे हैं, जिसको भूपेश बघेल ने पूरे देश में प्रचारित करने का प्रयास किया कि ये गौठान बहुत अच्छी योजना है, वास्तव में उसकी जो सच्चाई है वो जनता को दिखाने का काम। जगदलपुर के झीरम पहुंचे मंत्री कवासी लखमा के समक्ष टहकवाड़ के 50 लोगों ने कांग्रेस प्रवेश किया है। वही मंत्री कवासी लखमा संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख चंद्र जैन तथा चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने इन सभी का स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस प्रवेश करने वाली सभी व्यक्ति टहकवाड़ा निवासी और CPI के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के बाद 2000 के नोट सितंबर महीने तक ही परिचालन में रहने के बाद से लोगों को 2000 की नोट खर्च करने में परेशानी हो रही है। ताजा मामला अंबिकापुर शहर से है, जहां के मोमिनपुरा का एक परिवार निजी अस्पताल में इलाज के लिए गया हुआ था। जहां अस्पताल में परिजनों के द्वारा 2000 का नोट दिया गया तो अस्पताल ने उसे लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं अस्पताल में संचालित मेडिकल दुकान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने हमें 2000 का नोट लेने से मना किया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा साफ तौर पर मीडिया से बात करने पर ही मना कर दिया गया है। ये रिपोर्ट को देखिए। सितंबर तक, 30 सितंबर तक जो है वो 2000 के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर रहेंगे। अगर कहीं पे शिकायत आई है तो, और मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ अफवाहों के कारण आई हो, ये बिल्कुल सभी लोग से अपील भी है कि जो निर्धारित डेट है जो RBI ने दिया है उसके पहले तक वो लीगल टेंडर हैं और कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर 2000 के नोट का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो कहीं भी वो उसको लेना चाहिए, अगर नहीं लेता है तो उसकी उस पर कार्रवाई शासन करेगा। खबर बीजापुर से है, जहां जिला प्रशासन और संबंधित शिक्षा विभाग अधिकारी कर्मचारी लगातार शिक्षा को बेहतर करने और स्कूलों को सजाने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े। तो वहीं दूसरी ओर जो ठेकेदार निर्माण कर रहे हैं वो गुणवत्ताहीन निर्माण को अंजाम दे रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग और प्रशासन दोनों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही निगरानी के बावजूद घटिया कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ये पूरा मामला नगर पालिका वार्ड क्रमांक 15 बैदरगुड़ा के प्राथमिक शाला का है। प्रदेश भाजपा के महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर आरोप लगाया।
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार गोठान योजना के नाम पर सरकारी रकम की बंदरबांट कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गोठानों में गायों, चारे और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, 10वें वित्त आयोग और मूलभूत मद की राशि का दुरुपयोग कर रही है। विभिन्न गोठानों के निरीक्षण के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करें और हमारे साथ गोठान चलें। सारे सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए और बंदर पैसों का बंदरबांट करने के लिए किया गया है। किसी भी गोठान में आप चले जाइए, 2% गोठानों को छोड़ दीजिए जिसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इन्होंने रखा है अपनी ख्याति बटोरने के लिए। वास्तव में गोठानों में ना नरवा है, ना घरुआ है, ना बारी है, कहीं चारा नहीं है, शेड नहीं है। 300 गायों का इनका इन्होंने कहा कि हम 300 गाय एक एक उसमें रखेंगे, 3 गाय भी किसी दंतेवाड़ा में सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ 195 बटालियन बोतली के जवानों ने 5 किलो का आईईडी बम बरामद किया है। वहीं मौके पर ही बीडीएस की टीम ने आईईडी बम को निष्क्रिय किया है। बता दें कि बोतली सीआरपीएफ कैंप से रोड ओपनिंग पर जवान निकले थे। जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने बारसूर नारायणपुर मार्ग के घोटिया मोड़ पर 5 किलो का आईईडी बम प्लांट कर रखा था, जिसके बाद जवानों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पूरा मामला मालेवा ही थाना क्षेत्र का है। खबर बस्तर से है, जहां क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल की अध्यक्षता में आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को जिला पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। साथ ही संभागयुक्त और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्याम धावड़े ने बताया कि इस बार प्राधिकरण की बैठक सुकमा जिले में आयोजित की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। तो वहीं बस्तर में बेमौसम बारिश से तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीधा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं हरा सोना कहा जाने वाला तेंदुपत्ता बस्तर के आदिवासियों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन इस वर्ष बेमौसम बारिश ने तेंदुपत्ता की क्वालिटी के साथ ही क्वांटिटी दोनों को ही नुकसान पहुंचाया है। वहीं बस्तर वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में इस साल 2,70,600 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले अब तक महज 1,00,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का ही संग्रहण हो पाया है, जबकि बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। बस्तर में लगभग जो है संग्रहण पूर्ण हो चुका है, दंतेवाड़ा में लगभग जो है संग्रहण पूर्ण हो चुका है, सुकमा और बीजापुर में जो है, चूंकि बीजापुर में जो है काफी देर से जो है पत्ता आता है, तो वहां पर जो है अभी संग्रहण का कार्य चल रहा है। लगातार जो है बारिश हो रही है, पिछले एक महीने से लगातार बारिश हुई है, जिससे जो है इसमें गुणवत्ता पर जो है प्रभाव पड़ा है और निश्चित रूप से जो है इसमें उसकी जो है क्वांटिटी पर भी जो है, जो संग्रहण मात्रा है उस पर भी जो है इसका विपरीत जो है प्रभाव पड़ेगा। बस्तर में बेमौसम बारिश और तेज आंधी का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूरी घटना बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक की है। मृतक व्यक्ति राजेश कश्यप पहुरबेल जामचुआ पारा का निवासी बताया जा रहा है। की मृत्यु जो है वो गाज गिरने से हो गई, जो कि छिंदगांव से अपनी बहन को छोड़कर आ रहा था। वह एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए खड़ा हुआ वर्षा से बचने के लिए, और उसी पेड़ पर ही आकाशीय बिजली गिरी, जिससे कि घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये समाचार हमारे ग्राम पाहुरबेल। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।